हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द स्काइट क्लासेस। दिस इज मी स्वामीवीर सिंह। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो हमारा इस चैप्टर में बात करें फोर्स की, तो फोर्स इज अ पुल और पुश। तो बेसिकली हम बात करें, जैसे कि पुल और पुश को आप सबको पता ही होगा, खींचना किसी भी चीज को, पुल और पुश यानी कि धक्का देना। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि फोर्स क्या होता है। किसी भी चीज पे हम पुल या पुश, जैसे कि हमने किसी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल से एग्जांपल दूं कि अब मैं सबसे एग्जांपल छोटे से एक एग्जांपल की बात करूं कि मान लो किसी ने यू किकिंग ऑफ फुटबॉल मान लो या किकिंग ऑफ बॉल मान लो, ठीक है, अब बात कर ले जैसे कि ओपनिंग ऑफ डोर या क्लोजिंग ऑफ डोर, आप मान लो जैसे सपोज यू हैव किक्ड अ बॉल, आपने एक बॉल को लात मारी, ठीक है, किक किया, इसका मतलब ये है आपने क्या किया, आपने उसे पुश किया, आपने डोर को ओपन किया, हाँ, तो उसको क्या किया, आपने पुल किया। ठीक है, आपने मान लो कोई एक, मान लो सपोज कि यू हैव पिक्ड अप बोतल, तो आपने एक बोतल को उठाया, ठीक है, वाटर बोतल उठाया, कोई भी बोतल हो, कोई भी चीज़ उठाया, यू पिक्ड अप कॉइन, आपने कोई कॉइन जमीन पे पड़ा हुआ उसे उठाया, तो ये क्या होता है, पुल होता, आपने उसे अपनी तरफ खींचा। तो इसी तरह से हम जब उसे, जैसे आप दरवाजे को खोल रहे हैं हम या बंद कर रहे हैं, तो बंद कर रहे हैं तो पुश कर रहे हैं, ठीक है, खोल रहे हैं तो पुल कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फोर्स का सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं हम कि व्हाट अ फोर्स कैन डू, फोर्स कर क्या सकता है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं हम जो फोर्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहली बात ये है कि समझ लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इफ अ ऑब्जेक्ट इन मोशन और हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वी कैन, बाई अप्लाइंग फोर्स वी कैन स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए हमारा जो इस चैप्टर का जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स कैन डू, बाय अप्लाइंग फोर्स अगर मैं इसकी बात करूं, वी कैन चेंज द, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स कैन ब्रिंग अ ऑब्जेक्ट इन मोशन। तीसरा अगर मैं बात करूं तो इट कैन ब्रिंग अ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। अब इसके अलावा बात करूं तो इट कैन ऑल्सो कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन। तो हमारा जो पहला, मैं दूसरा क्वेश्चन था इस चैप्टर का कि व्हाट फोर्स कैन डू, तो उसका आंसर है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। ओह, मैंने इसे दो बार लिख दिया, ओके। सपोज आपने देखा होगा कि, मतलब आपने क्रिकेट तो आप सभी ने खेलते होंगे या किसी को खेलते हुए देखा ही होगा, एक बॉलर होता है, जब वो बॉल को थ्रो करता है, ठीक है, टुवर्ड्स द बैट्समैन, तो बैट्समैन क्या करता है, उसे किक कर, मतलब उससे बैट से उसे हिट करता है बॉल को। अब बॉल आया, जब बॉलर फेंकता है बॉल को, तो बॉल मान सपोज ये यहाँ पे बैटर है आपका, ठीक है, जो बैट्समैन है जो यहाँ पे खेल रहा है, तो बॉल उसने यहाँ पे फेंका, बॉल यहाँ पे आया, उसने यहाँ पे उसे हिट किया इस जगह पे, बल्ले से
बॉल बॉल को मारा, अब बॉल किधर जाएगा, या तो इधर जा सकता है या कहीं भी, मतलब बॉल बॉल आया तो इस डायरेक्शन में था लेकिन जा इस दूसरी डायरेक्शन में रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, जब बॉल को उसने स्ट्राइक किया, हिट किया, तो बॉल की क्या हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। सपोज अभी कोई चीज़ आपके पास, आपने एक मार्बल बॉल होता है कंचा जिसे बोलते हैं, वो फेंका, वो जा रहा है सीधा स्ट्रेट जा रहा है, आपने उसे बीच में हिट कर दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हैं कि फोर्स, मतलब फोर्स हमने उसे, जब हमने उसे हिट किया, मारा, मतलब बैट्समैन ने, या आपने कोई कॉइन जा रहा है, मतलब एक मार्बल बॉल जाने की कंचा जा रही है, कंचा जा रहा है, आपने उसे मारा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई बेसिकली, हैं। तो इसे बोलते हैं, तो मतलब पहला पॉइंट कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, जी आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि फोर्स, हाउ फोर्स कैन ब्रिंग अ ऑब्जेक्ट इन, ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर बात करें जैसे कि मान लो अभी कोई भी चीज़ है, अगर ये आप मान लो सपोज कि यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं आऊँ इसे एक जोर से पुश कर दूँ, मतलब धक्का दे दूँ, तो ये चलना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे रुका हुआ है तो उसे बोलते हैं रेस्ट। तो इसकी जो पोजीशन है वो अभी ये रेस्ट की पोजीशन में है, मतलब फिजिक्स में कोई भी चीज़ या तो रेस्ट में होगी, मतलब अगर वो रुकी हुई है, स्टेशनरी है, तो वो रेस्ट में होगी, ठीक है। अगर वो मूव कर रही है तो उसे बोलते हैं मोशन। किसी भी चीज़ की यही दो स्टेट हो सकती हैं, मतलब या तो वो मोशन में होगी या वो मतलब रेस्ट में होगी। तो अब सपोज कीजिए जब यहाँ पे रखा हुआ है, ये हॉरिजेंटल होता और ये रखा हुआ होता, ठीक है, टेबल पे ऐसे कोई भी चीज़ रखी हुई है, आपने आया है, आपने आने के बाद उसे पुश कर दिया तो वो चलना शुरू हो जाएगी। तो हमने जब उसे पुश किया तो हमने क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट स्टेट, मतलब वो जो उसकी स्टेट थी रेस्ट की, उससे मोशन में आ गया। सेम वे अगर कोई भी चीज़, जैसे आपने इसका एग्जांपल है, किसी बैट्स, मतलब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बॉल हवा में गई, वो कैच आया, आपने उसे कैच कर ली बॉल को, ठीक है। तो जब बॉल गिर रही थी तो वो मोशन में थी, आपने उसे कैच कर लिया, हाथ में आई आपके, तो वो रुक गई, तो वो मोशन से कहाँ पे आ गई, स्टेज, मतलब अभी वो मूव कर रही थी फिर आके रुक गई, मतलब कि वो रेस्ट में आ गई। तो आपने मोशन से आती हुई बॉल को किस में कर दिया, रेस्ट में, और आपने जब उसे कैच किया तो आप उस पर क्या अप्लाई करते हो, आप करते हो उस पर पुश, मतलब उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो। सेम वे आपने अगर फुटबॉल खेलते होंगे, तो जब फुटबॉल को जब गोल करने जाते हैं तो जो गोल कीपर होता है वो बॉल को कैच कर लेता है, तो वो भी क्या करता है, उसे पुश करके वहीं पे बॉल को रोक लेता है और उसे उसको मोशन से उसमें ले आता है, रेस्ट में, ठीक है। तो फोर्स के थ्रू हम ये सारे काम कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को हम, तो हम फोर्स से मतलब बेसिकली करके क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसे मोशन में ला सकते हैं, ठीक है, उसे रेस्ट में लेके आ सकते हैं, और उसके अलावा वी कैन चेंज द शेप। अगर आप किसी भी चीज पे, आप मान लीजिए किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यू कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाई अप्लाइंग फोर्स। अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी मतलब शेप, जो आकार होता है, उसे भी चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कोई वाटर बोतल है, जो प्लास्टिक की, आपने उसे प्रेस किया तो वो प्रेस हो जाती है अंदर की साइड, मतलब दब जाती है, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। इसका एक सबसे कॉमन एग्जांपल दूं, यू मे हैव सीन योर मदर नीडिंग द डो। आपने अपनी घर पे अपनी मम्मा को किचन में देखा होगा, आटा गूंथते हैं, ठीक है, तो उस पर वो क्या करती है, उसे पुश करती है बार बार, ये हाथों से, तो उसे पुश करती है तो उसकी शेप बार बार चेंज होती है। सेम जब आप वो, जब फ्लोर मतलब डो तैयार हो जाता है तो उसकी बॉल्स बनाते हैं, ठीक है, डो की रोटी चपाती जो भी बनाते हैं उसके लिए, उसे छोटे छोटे बनाते हैं ना बॉल्स, तब भी हम उस पर फोर्स उसे पुश करके उसकी शेप चेंज करते हैं। तो आप सबसे एग्जांपल समझ लीजिए कि आप फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज भी कर सकते हैं, स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, मतलब उसे मोशन से रेस्ट में लेकर आ सकते हैं, रेस्ट से मोशन में लेकर आ सकते हैं, और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती, हमेशा सही नहीं होती। आप सपोज कीजिए आप गए और आपने वॉल पे आके फोर्स लगाया, तो आपके, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आपके अकॉर्डिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस पर, तो फोर्स या तो बॉल को मूव करना चाहिए था, मतलब स्टेट से रेस्ट से मोशन में आना चाहिए था, मोशन से रेस्ट, मतलब वो रेस्ट में तो है ही, तो मोशन में आना चाहिए था, ठीक है, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए थी, वो भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, शेप चेंज होनी चाहिए, वो भी नहीं हो सकते,
वो ऐसा इसलिए नहीं है कि बॉल एक तो स्टेशनरी है, क्योंकि उसे मूव करने के लिए या उसकी शेप चेंज करने के लिए आपको एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को आप बेसिकली इस केस में जब आप बॉल को जाके पुश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि फोर्स अपना काम नहीं कर रही, आप कैपेबल नहीं है, मतलब आपके पास उतनी फोर्स नहीं है जितनी उस दीवार को मतलब मूव करने के लिए, मोशन में लाने के लिए, उसकी शेप चेंज करने के लिए चाहिए। अगर आप सपोज कीजिए आप बॉल को हिट करते हैं किसी मतलब बुलडोजर से या कोई भी मशीन है हैवी मशीनरी से, तो बॉल क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होती ही इसलिए कि वो आधा पोर्शन जिस पोर्शन पे आप फोर्स लगाते हो वो रेस्ट से मोशन में चली जाती है, तो वो पोर्शन निकल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि आप अगर इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करेंगे तो कोई भी ऐसे भारी पत्थर रखा हुआ है आप उसमें थोड़ा सा बच्चे से बोला आपने कि पुश कर दो जाके वो मोशन में आएगा, तो ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को उसके साइज के अकॉर्डिंग, अगर कोई चीज़ बड़ी है तो उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको उसके लिए, अगर कोई चीज़ छोटी है तो उसके वो कम फोर्स में मूव करना शुरू कर जाएगी। तो बेसिकली बात यह होती है कि आपको एक सफिशियंट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से आपको एक फोर्स का अमाउंट चाहिए होगा। अगर आप वो लगा रहे हैं तो वो मूव भी करेगी, शेप भी चेंज होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, तो अब बच्चों हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए फोर्स का व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन विच वी आर अप्लाइंग द फोर्स। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना बल लगा रहे हैं उसका क्या प्रभाव उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा। ठीक है, किसी भी वस्तु पे फोर्स मतलब उस बल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है वो डिपेंड करता है कि आप किस दिशा से फोर्स उस पर ताकत लगा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, बल लगा रहे हैं तो जो फोर्स का जो इफेक्ट होता है किसी, आप सपोज कीजिए एक ये स्टेशनरी कोई भी वॉल है मूव कर रहा है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में एक बॉल है वो मूव कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन अगर आप उस पर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, इस डायरेक्शन से लगाएंगे तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, आप इस डायरेक्शन से लगाएंगे तो इसका मोशन इधर हो जाएगा, डायरेक्शन जो चेंज होगी वो इधर हो जाएगा। तो आपने देखा एक ही फोर्स, एक ही बॉल है, सेम बॉल है, इस पर हम मान लीजिए 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम हर केस में 2 ही न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है प्रभाव की उसकी डायरेक्शन कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, वो डिपेंड कर रहा है कि हम फोर्स किस मतलब जो हम बल लगा रहे हैं उस पर किस तरफ से किस डायरेक्शन से लगा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे न्यूटन क्या है, एक्चुअल में ये यूनिट है, ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, तो फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है ये होता है न्यूटन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं फिजिक्स में एन से। ठीक है, तो ये फोर्स का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जिसमें हम फोर्स को मेजर करते हैं, मतलब हम फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब हमें उसमें ये बताना होता है कि हमने कितनी जोर से ताकत लगाई है या कितनी ताकत लगाई है, तो उस अमाउंट को हम मेजर करने के लिए हम न्यूटन में बताते हैं कि हमने 1 न्यूटन लगाया है, 2 न्यूटन लगाया है या 10 न्यूटन लगाया है। किसी भी चीज़ को मेजर तो करना ही होता है ना, आप हर चीज़ को मापने की एक वो यूनिट होता है, तो इसी तरह से ये फोर्स को मापने का यूनिट था न्यूटन, और इसे हम एन से लिखते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। तो अगर फोर्स, अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम डायरेक्शन, तो फोर्स विल बी एड अप। मतलब ये है सिंपली कि अगर सपोज कीजिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये रखा हुआ है ग्राउंड पे, अब इस पे हम 2 बंदे हैं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों इस पे फोर्स लगा रहे हैं, हम दोनों के जो डायरेक्शन है वो है सेम, मतलब हम एक ही डायरेक्शन से दोनों एक तरफ से दोनों फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मूव करेगा इधर, अब सपोज कीजिए मैंने लगाया 2 न्यूटन, मेरा भाई छोटा है और थोड़ा कमजोर भी है, ठीक है, तो वो उसने लगाया 1 न्यूटन, ठीक है,
उससे इतना ही लग पाएगा, ठीक है। तो अब ये जो वुडन है इस पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, वुडन ब्लॉक है इस पर टोटल जो फोर्स अप्लाई होगी वो होगी 3 न्यूटन की। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो डायरेक्शन है ना हम दोनों की वो सेम है। जब हम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है। मतलब अब अगर मैंने 2 लगाया उसने 1 लगाया तो दोनों टोटल फोर्सेस पे अप्लाई हुई वो हुई 3 न्यूटन की। तो अब ये मूव करेगा तो 3 न्यूटन से। अब सपोज कीजिए दूसरा केस, आप मेरा भाई हो ना, थोड़ा नकचड़ भी है, नकचड़ा भी है मतलब बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, ठीक है। अब हम दोनों में हो गई बहस, बोला मैंने ज्यादा फोर्स लगाई थी, लेकिन आपको तो पता ही है ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा था तो मैंने कहा चल देखते हैं, आजा तू भी इधर से आजा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। अब मैं इधर से फोर्स लगा रहा था, अब वो भाई साहब इधर से आए, अब मेरे को और भी ज्यादा उससे ज्यादा लगानी थी तो मैंने इस बार लगाया 3 न्यूटन का। लेकिन मैंने बताया जैसा कि वो बेचारा कमजोर, उसने लगाया 1 न्यूटन का। तो अब ये ब्लॉक का जो मूवमेंट है वो जो इसकी जो मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो होगी मेरे भाई की तरफ, ठीक है, और ये होगी 2 न्यूटन से। तो ठीक है, जब अब इस केस में ऐसा क्यों हुआ कि इसका मोशन उसकी साइड हुआ वो भी 2 न्यूटन से, होना तो 3 न्यूटन से चाहिए था क्योंकि मैं 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था। तो ऐसा इसलिए हुआ कि वेन एवर वी विल अप्लाई द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द, सपोज अगर यहाँ पे हम दोनों लगा रहे हैं जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली, तो वेन एवर यू विल अप्लाई द फोर्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इट विल गेट सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इफ यू विल अप्लाई द फोर्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन द फोर्स विल गेट सब्सट्रैक्टेड, ठीक है। तो इन केस में हम हो क्या रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे 3 न्यूटन से मैंने लगाया, 1 न्यूटन से उसने लगाया, तो ये दोनों हो गई माइनस, और जो टोटल फोर्स रहा वो हुआ, जो नेट फोर्स रहा उस पर वो रहा 2 न्यूटन का। देखिए उसने लगाया था 1 न्यूटन, वो लगा रहा था मेरी साइड, ठीक है, मैंने लगाया 3 न्यूटन, तो उसमें से 1 न्यूटन माइनस हो गया और जो फाइनल नेट फोर्स रहा वो हुआ 2 न्यूटन का। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग डायरेक्शन से 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, मतलब अगर आप समझिए एक टेबल रखा है और आधे लोग इधर लग जाएं और आधे लोग इधर लग जाएं, तो जो टेबल पे जो नेट फोर्स लगेगा ना वो लगेगा जो उन दोनों की फोर्स के बीच में जो 2 लोग लगा रहे हैं उनमें जितना डिफरेंस है। मतलब अगर मान लीजिए, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं, सपोज कोई दूसरा ब्लॉक रखा है, इसी पे आधे लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मैं भी आपसे बोल रहा था, ठीक है, इस पे लगा रहे हैं 4 न्यूटन का और आधे लोग इधर से लगा रहे हैं, ठीक है, इन्होंने भी 4 न्यूटन का लगाया, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन इनका जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं वो है 4 न्यूटन, दोनों ही 4 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो मतलब इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो अब जो स्टेबल है, मतलब जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा, वो स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, वो भी अलग अलग एक दूसरे के अपोजिट, तो वो जो फोर्स है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस पे बेसिकली कोई भी फोर्स का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और ये स्टेशनरी रेस्ट में ही रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारे जो तीसरा वो है इस चैप्टर का टॉपिक, वो है कि टाइप ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस की अगर हम बात करें तो फोर्स 2 तरह की हो सकती है, अभी जो आपके सिलेबस में मेंशन है, या तो कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकती है या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो सकती है। कॉन्टैक्ट, ये 2 तरह की है टाइप्स ऑफ, टाइप ऑफ फोर्स, पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस,
और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा अब मैं इसमें बताऊं इसके एग्जाम्पल, तो इसका जो एग्जाम्पल आता है वो है मस्कुलर फोर्स, और दूसरा आता है फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर आप उसे फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। और इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो तीन फोर्सेस होंगे जिनकी हम बात करेंगे। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, और तीसरा जो है वो है मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं बात करूं कॉन्टैक्ट फोर्स की, तो इन दिस टाइप ऑफ फोर्सेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी। तो इन दोनों के बीच में आपको कॉन्टैक्ट देखने को, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके कर लीजिएगा वीडियो, मैं ऐसे आगे आगे वाला टॉपिक कंटिन्यू करता हूं। तो हम पहले बात करते हैं मस्कुलर फोर्स की बात करें तो दिस फोर्स इज जनरेटेड बाय एक्शन ऑफ मसल्स। इन आवर बॉडी इसीलिए हम इसे मतलब बोलते हैं वो मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, किससे जनरेट होती है भाई, एक्शन ऑफ मसल्स। जो हमारी मसल्स होती है हमारी बॉडी में, से मैं अगर हाथ की बात करूं तो इसमें दो तरह की मसल्स होती है। एक मसल्स वो होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे हाथ को हम ऊपर खींचते हैं, और दूसरी मसल जो होती है वो सेम मसल जब वो मतलब जो हमारी हाथ, देखिए जब मैं इस हाथ की बात कर रहा हूं तो इस हाथ को हम मूव मतलब ऊपर खींच सकते हैं अपनी साइड, और इसे नीचे की साइड लेके जा सकते हैं। ये होता क्यों, बेसिकली जो मसल्स हैं इस हाथ में जब उनको कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल, मतलब मसल्स जब सिकुड़ती हैं हमारी तो हाथ को हम ऊपर लेके आते हैं, और जब वही मसल्स को जब रिलैक्स मतलब जब हम मसल्स को ढीला कर देते हैं, ढीला हो जाती है वो, तो वो ये नीचे की साइड चला जाता है। तो इसे मसल्स जो हमारी मसल्स हैं वो यहाँ पे पावर को जनरेट कर रही है, जिस जो ताकत है वो हमारी मसल्स प्रोवाइड करा रही है जिससे हम हाथ को ऊपर या नीचे लेके जा सके। तो सेम वे में तो जो अब इसी तरह से जो मसल्स हम किसी चीज को उठाते हैं, तो जो पावर है जिस किसी को उठाने की जो ताकत है हमको, वो हमारी मसल्स ही प्रोवाइड कराती हैं। तो इसीलिए जो फोर्स हम जब किसी भी चीज को पिक करते हैं तो हम उसमें लगाते हैं ताकत, वो ताकत कहाँ से जनरेट होती है, वो होती है हमारी मसल्स में। इसीलिए जो फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ठीक है, इसलिए इस फोर्स का नाम हमने दिया है मस्कुलर फोर्स। अब बात करें मस्कुलर फोर्स को, तो कॉन्टैक्ट इज मस्ट। अब जैसे मैंने बताया कि इफ यू आर गोइंग टू पिक अ कॉइन या बॉटल फ्रॉम द ग्राउंड, यू हैव टू टच दैट थिंग, आपको उस चीज को छूना ही पड़ेगा, बिना छुए तो आप किसी चीज को उठा नहीं सकते। इफ यू वॉन्ट टू मूव समथिंग प्लेस्ड ऑन द ऑन अ टेबल, देन यू हैव टू टच दैट थिंग, वेदर यू आर टचिंग इट विद योर हैंड और योर स्टिक और समथिंग एनीथिंग एल्स, आप किसी और चीज से उसे टच कर रहे हैं या फिर हाथ से टच कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं बेसिकली, तो आपको उसे मूव करने के लिए टच करके ही मूव कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और तरीका है ही नहीं उसे मूव करने का। ठीक है, आप किसी ना किसी चीज से जरूर उसे टच करेंगे ही, तो इसीलिए इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट। उस जब आप उसे टच करेंगे तो कॉन्टैक्ट भी होगा, तो इसलिए इस फोर्स में कॉन्टैक्ट तो मस्ट है ही, तो इस चीज में कॉन्टैक्ट तो होगा ही। आप सपोज कीजिए कोई भी चीज रखी है, अगर इसका एग्जांपल की बात करूं तो सपोज किकिंग ऑफ फुटबॉल, आपने फुटबॉल को लात मारी तो आप उसे पैर से जब उसे
लात मार रहे हैं, तो मतलब पैर लगा रहे हैं ना उससे, तो आप उसे टच कर रहे हैं, तो आप जब जब उसे आप किक करने वाले हैं, जब उसका पैर जो है फीट है जो फीट व्हेन टच दैट बॉल, तो जो फोर्स जनरेट हुई है आपकी लेग में मसल से वो सब उसको ट्रांसफर हो जाएगी और वो स्ट्रेट से मोशन में आ जाएगा। तो आपके पैर में और बॉल के बीच में एक कॉन्टैक्ट हुआ, आपने एक बॉटल को पिक किया, ठीक है, बॉटल को उठाया, तो आपने जब बोतल को उठाया तो उसे पकड़ा, पुल किया, तो आप उसे फोर्स, आप उसे टच किया, तो आप जब वो रेस्ट में रखी हुई है आप उसे टच करके पुल कर रहे हैं, तो मतलब फोर्स लगा रहे हैं, तो उसे आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो रेस्ट से ऊपर आके मोशन में आ गई, तो आप तब भी उसे कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी है इसके बाद जो हमारा वो है एक बहुत ही जरूरी चीज, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में कहा जाता है कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, मतलब एक ये हमारे लिए बहुत, इससे हमें बहुत नुकसान तो है, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना इस अर्थ पे रहकर सांस लेना, ठीक है, अगर हमें जीना तो सांस लेनी पड़ेगी, उतना ही जरूरी है हमारे लिए फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन इज दैट फोर्स विच अपोजिस द मोशन, इट ऑलवेज अपोजिस द मोशन। आप अगर मैं अभी यहाँ पे मूव करना शुरू करूँगा, अगर मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो जो मुझ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा मेरे पैर्स पे, जो फीट पे, वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। आप बॉल को फेंकिए टेबल पे, आप अगर सपोज कीजिए ये टेबल है, ठीक है, आपने रोल करने के लिए बॉल को यहाँ से रोल किया टेबल पे इधर की साइड, ठीक है, तो बॉल ने थोड़ा और स्मार्ट सा बना देता हूँ उसे, ठीक है, तो बॉल ने इधर की साइड मूव करना शुरू किया, ठीक है, तो इस वक्त इस पे जो फ्रिक्शन होगा ना, वो फ्रिक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अच्छा, फ्रिक्शन हो या फिर मस्कुलर फोर्स हो, इनके लिए कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है, ठीक है, तो अभी ये बॉल है ना टेबल के कॉन्टैक्ट में, टू सर्फेसेस के, वेन एवर देर विल बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सर्फेसेस देर विल बी अ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस विल एक्ट देयर, या तो वो अब सपोज कीजिए या तो वो मस्कुलर फोर्स होगी, या वो मुझे उठा रहे होंगे, ठीक है, तब कॉन्टैक्ट होगा, या फिर वो फ्रिक्शनल फोर्स होगी। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है ना, तो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इस सरफेस पे जो कॉन्टैक्ट में होगी। अब सेम वे में सपोज कीजिए इफ यू आर ड्राइविंग अ कार ऑन रोड, आप रोड पे चला रहे हो गाड़ी को अपनी को, तो उसका जो टायर होगा और रोड के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स एक्ट करती है उसे हम बोलते हैं, देखिए ये सरफेस है, मान लीजिए टेबल है या रोड है, आप कुछ भी सपोज कीजिए, इस पे एक बॉल रखा हुआ है, इसके बीच में बॉल के और रोड के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अब जो फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स आएगी, ठीक है, जो फोर्स लगेगी उसे बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिस मोशन। आप ये समझ लीजिए कि ये कभी कोई भी ऐसी मतलब ओकेजन नहीं है कि तभी कभी ये मोशन को सपोर्ट करती हो, या हमेशा जब भी कोई चीज चल रही होगी तो उसे ये रोकने के लिए ही एक्ट करेगी। आप समझ लीजिए अगर ये फोर्स ना होती तो आपका अर्थ पे रुकना ही मुश्किल हो जाता, अगर कोई चीज एक बार फोर्स लग जाती किसी भी चीज पे तो वो कभी रुकती ही नहीं, ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छा होता, लेकिन सपोज कीजिए अगर आपको जाना है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, आपका व्हीकल ने आपने एक बार इंजन में फ्यूल बर्न किया, उसने चलना शुरू कर दिया, अब आप पहुंच गए उस जगह पे लेकिन आपकी गाड़ी रुकी नहीं रही, तो फिर कैसा होता, आप चले ही जा रहे हो। अगर एक ऑब्जेक्ट कभी मोशन में आ गया और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो वो हमेशा ही मोशन में रहता, वो कभी रुकता ही नहीं, कोई भी चीज रुकी नहीं होती इस अर्थ पे, तो इसीलिए लाइफ फ्रिक्शन फोर्स के बिना पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये सब बोलते हैं नेसेसरी इविल हमारे लिए, इसकी वजह से हमें मतलब लॉस होता है, हमें बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है हमारे व्हीकल्स का, टायर भी हमें चेंज कराने पड़ते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप शूज़ का ही ले लीजिए, अपने शूज़ खराब होते रहते हैं, घिस जाते हैं आपके स्लीपर्स, सेम
सील है, मतलब सीन है कि वो सब हमारे लिए होता तो हमें लॉस है, लेकिन ये जरूरी भी है। अगर ये नहीं होता तो फिर हमारा रुकना भी इम्पॉसिबल होता, इस लाइफ पे सर्वाइव करना भी इम्पॉसिबल होता अर्थ पे, इसलिए हमारे ये नेसेसरी इविल है। इसके अलावा जो हमारा, और इसमें भी मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने मस्कुलर फोर्स में बताया, इसमें भी टू सर्फेसिस के बीच में कॉन्टैक्ट तो होगा ही होगा, अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो ये फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी। अब हमारा जो आता है नॉन कॉन्टैक्टेड फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में दूसरा जो टाइप की फोर्सेस थी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस के, मैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं आने वाले क्योंकि ये ज़रूरी इतना, मतलब इसमें कुछ है भी नहीं बताने। आपने देखा ही होगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, वो आयरन नेल को या फिर दूसरी कोई मैग्नेट को या तो रिपेल करेगी या फिर उसे अट्रैक्ट करेगी, लेकिन देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब सपोज कीजिए एक मैग्नेट है, ये काफी स्ट्रांग है, अब यहाँ पे या तो आयरन नेल मान लीजिए उन्हें अट्रैक्ट करती है या दूसरी, आप मान लीजिए एक और दूसरी मैग्नेट है, अब ये दूसरी मैग्नेट को या तो ये वाली मैग्नेट अपनी साइड फोर्स लगा के इसे क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी, ठीक है। अब दोनों ही केसेस में या तो इसे अपनी तरफ खींचेगी पुल करके या फिर पुश करेगी, मतलब उसे रिपेल करेगी, दोनों ही केसेस में आप देख पा रहे होंगे इस मैग्नेट और इस मैग्नेट के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट करती हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, इसीलिए बोलते हैं बिकॉज देयर विल बी अ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, और ये दीज फोर्सेस एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट्स, बेसिकली इनमें कोई फोर्स में कॉन्टैक्ट ही नहीं होता तो बिना कॉन्टैक्ट के एक्ट कर पाते हैं, बिना कोई उसके कॉन्टैक्ट। और दूसरा है इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इट मे बी डिफाइंड एज अ फोर्स विच इज अप्लाइड बाई अ चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अदर चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट। बेसिकली मैं बात करूं कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज है जिस पे चार्ज है, ठीक है। आप मान लीजिए अभी मैं इसका एग्जांपल सपोज कीजिए, मैं आपको इसका एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा कॉम्ब मतलब कंघा, आप उसे अपने बालों से रब कीजिए तो वो क्या होता है, प्लास्टिक का कॉम्ब होता है, वो चार्ज हो जाता है उस पर, मतलब आप अभी आपके लेवल में नहीं है ये चीजें मैं कैसे समझाऊं, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी। आप अभी इतना समझ लीजिए कि जब आप उसे रब करेंगे तो वो चार्ज हो जाता है, उस पर एक चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, आपके बालों से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं कॉम्ब पर, तो इसलिए उस पर चार्ज आ जाता है एक, आप अभी इतना समझिए, ठीक है। अब ये चार्ज हो जाता है तो आप इस कॉम्ब को अगर आप छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास लेके आएंगे, ठीक है, If you will bring this comb near to the tiny pieces of paper, then those paper will get attracted toward the comb. अगर आप इस कंघे को छोटे छोटे pieces of paper के पास लेके जाएंगे तो वो जो paper होंगे ना वो इससे attract होकर इससे चिपक जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा जब आप इसे near लेके गए, आप यहाँ पे था comb, अगर आप यहाँ पे लेके आए comb और यहाँ पे, तो वहाँ पे कोई वो तो होगा नहीं, उन दोनों के बीच में कोई मीडियम तो मतलब कांटेक्ट तो नहीं होगा, कांटेक्ट होने से पहले ही उन्हें अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये भी फोर्स एक दूर एक डिस्टेंस से ही मतलब उनको दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है विदाउट एनी कांटेक्ट बिटवीन देम। अब जो तीसरा है हमारा, एक और बहुत ही जरूरी चीज, जरूरी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर आप इसे बोल सकते हैं ग्रेविटी। आप ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जिसने इसका नाम ना ही सुना हो या फिर ना ही इसके बारे में जानता हो। अब ग्रेविटी की बात करें तो दिस फोर्स ग्रेविटी की बात करें तो दिस फोर्स, अब मैं आपके अगर रेस्पेक्ट में बताऊं द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अस बाय अर्थ, हमारे अगर रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो हम पर जो फोर्स अर्थ लगाती है वो ग्रेविटी होती है, आप अभी इतना समझ लीजिए, ठीक है।
इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट फेंकते तो वो कभी धरती पर वापस ही नहीं आता। कभी भी किसी पेड़ से पत्तियां या फल अगर टूटता तो वो कभी नीचे ही नहीं आता, या तो हवा में तैर रहा होता या ऊपर चला जाता, ठीक है। अगर आपने किसी भी चीज को उछाला होता वो कभी लौटकर ही नहीं आती, और जो भी चीज वो वापस गिरती है जमीन पे आप फेंकते हो नीचे गिरती है, वो सिर्फ इसी फोर्स की वजह से, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उसी वजह से गिरती है। और जो ग्रेविटी मतलब जो फोर्स लगती है जो चीजें नीचे गिरती है जिस फोर्स की वजह से, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आप इसके एग्जाम्पल मैं बताऊं, बहुत ही एक कॉमन से एग्जाम्पल आप जो बताऊं वो देख लीजिए। जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो क्यों करता है, क्योंकि अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स अर्थ है ना उस पर मून पे एक फोर्स लगाती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ, उसकी वजह से वो उसके चारों ओर घूमता है। जैसे ये हमारी अर्थ है और ये मून है, तो ये इस डायरेक्शन में घूमता रहता है। अब आप देख पा रहे होंगे ये मून है, ठीक है, सपोज दिस इज मून और दिस इज अर्थ। अब इस पे एक हमेशा एक फोर्स तो लगाती है, अर्थ एक फोर्स लगाती रहती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस होता है, अर्थ और मून के बीच में बहुत डिस्टेंस है, तभी तो हमें रॉकेट से जाना पड़ता है उसके पास। तो इस केस में डिस्टेंस है लेकिन कोई फोर्स तो हम लगा नहीं, मतलब कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अच्छा, तो लेट्स मूव ऑन और नेक्स्ट टॉपिक, वो है प्रेशर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर। तो प्रेशर को अगर मैं बात करूं तो प्रेशर को वैसे अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं तो इट मे बी डिफाइन एज अ इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। बेसिकली किसी भी चीज पे हम कितनी जोर से कितनी ताकत से उस पर बल लगा रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं कितने जोर से, कितने मैग्नीट्यूड के साथ किसी चीज पे हम फोर्स लगा रहे हैं, वो होता है प्रेशर, ठीक है। अगर इसको दूसरे सिंपल टर्म्स में अगर मैं डिफाइन करूँ, दूसरे एक डेफिनेशनल है इसका, वो कह सकते हैं कि प्रेशर में भी डिफाइन एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट अप्लाइड यूनिट एरिया, द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ द फोर्स फोर्स पर यूनिट एरिया। आप अभी इतना ही समझ लीजिए क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर आपके लिए। अगर मैं प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर को पी से, मैं आपको एक से समझा देता हूं, और ये है हमारा प्रेशर। अगर हम इसको बताएं तो हम इसका जो फॉर्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका ऐसे, मतलब अगर मैं सिंपल और सिंबोलिक वे में लिखूं, P इक्वल टू F by A, ठीक है। तो फोर्स को प्रेशर को हम लगाते हैं, फोर्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आप अभी ये समझिए, सपोज कीजिए अगर आपको तो बच्चों लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर मे बी डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और वी कैन डिफाइन प्रेशर एज इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। बेसिकली मैं बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका अगर हम मान लीजिए कोई एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, या अपने टर्म में हमने बात किया है एक पर यूनिट, मतलब एक यूनिट एरिया कोई भी हो सकता है, यूनिट हमारा मीटर हो सकता है, या कोई एक मतलब समझ, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है, हमें देखना है कि उसके इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, मतलब इससे हमारा मतलब है कि उस एरिया पे हमने बात किया कि इस एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है, इसका मतलब बेसिकली जो हम देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि उसके इतने से एरिया पे हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितनी उस पे फोर्स लग रही है, पुल लग रहा है या पुश लग रहा है, तो हमारा प्रेशर से मतलब ये होता है, ठीक है। तो और दूसरा मैंने बताया कि हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर में भी डिफाइन एज अ इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, मतलब उस पे कितनी जोर से ताकत लग रही है। अब प्रेशर को हम अगर प्रेशर का यूनिट की बात करें तो वो होता है पास्कल, अभी आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। प्रेशर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं यूनिट एक लेटर पी से, ठीक है, पी से हम इसे। और जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेशर इक्वल टू, एक जो इसका फॉर्म रिलेशन है प्रेशर का किसके साथ, फोर्स के साथ और एरिया के साथ, मतलब प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है। यहां पे मतलब पी प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ फोर्स को और ए एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो मैं बात करूं प्रेशर का फोर्स के साथ क्या रिलेशन होता है। अगर आप प्रेशर का, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, आपके लिए मैं भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता इसे, लेकिन आपको अब ये थोड़ा सा बता देता हूं। ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ये, मतलब ये रिलेशन बताता है। तो अगर मैं प्रेशर का फोर्स के साथ रिलेशन बताऊं तो वो है डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली है इसका मतलब, अब ये है इन्वर्सली, ठीक है। इन्वर्सली को हम लिखते हैं वन अपॉन, जो भी हमारी क्वांटिटी इन्वर्सली होती है उसे वन अपॉन के मतलब नीचे की साइड लिखते हैं वो इन्वर्सली का मतलब ये है। बेसिकली आप जो दो चीज यहाँ पे समझनी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी हम किसी भी चीज पे फोर्स बढ़ाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर भी बढ़ेगा डायरेक्टली, ये फोर्स मतलब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। सपोज आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर सपोज एरिया बढ़ रहा है किसी भी एरिया को, तो उसका जो प्रेशर है ना अप्लाई हो रहा है वो घटेगा, इसके बढ़ने से ये घटेगा, इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, इसके अगर दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसमें से अगर एक जो भी क्वांटिटी है, या तो प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, और एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। बेसिकली सपोज कीजिए अभी से हम देखते हैं कि एरिया बढ़ने से प्रेशर कैसे घटेगा। अगर सपोज कीजिए पहले हम लगा रहे थे 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है, हम लगा रहे थे पहले इतने से एरिया में, ठीक है, इतने से एरिया में लगा रहे थे। तो अब जाहिर सी बात है ये वाली चीज का टूटने का, या इस पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, हम फोर्स लगा रहे थे 5 न्यूटन, तो इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा। अब हम लगाते हैं इतने एरिया में, अब तो जो फोर्स है वो सारा फैल के लगेगा इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े एरिया में सिर्फ 5 न्यूटन ही लग रहा है, तो 5 न्यूटन लग रहा है तो ये जो फोर्स है इन पे कम प्रेशर पड़ेगा और ये टूटेगा कम, मतलब इस पे प्रेशर कम पड़ रहा है तो इसके टूटने के चांसेस, जो कोई भी अगर फ्रेजाइल चीज होगी तो टूटेगी नहीं। इसके एक सिंपल से एग्जांपल समझ लीजिए, आपने देखा होगा स्की करने वाले लोग जो होते हैं आइस पे, जो स्की करते हैं, मतलब जो एक उनका इक्विपमेंट होता है जो रेल्स बड़े से बुल लगा के शूज जो पहन के बड़े वाले, और बर्फ पे चलते हैं, तो बर्फ पे जब भी चलना होता है ना उनके शूज बड़े होते हैं। कभी भी आपने किसी को बर्फ पे हील पहन के चलता हुआ नहीं देखा होगा, हील पहन के इसलिए नहीं चलता, अगर समझिए हील होगा तो उसका मतलब इतने से एरिया में प्रेशर लगेगा, ठीक है, हील बहुत कम एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा, तो उस वजह से वो कभी इसमें हील पहन के नहीं चलते। अगर वो चलते हैं तो शूज उनके एक स्पेशल टाइप शूज होता है, वो काफी एरिया को, और शूज में एक नेट भी लगा देते वो लोग, मतलब जो एरिया जो फोर्स है, अगर सपोज कीजिए अगर ऐसा शूज है किसी का तो उस पर कुछ
इस तरह के ग्रिल्स टाइप लगा देते हैं वो आइस पे चलने के लिए, ताकि जो फोर्स है उस पे, जो प्रेशर पड़ रहा है वो फैल के लगे, समझ गए आप। तो ये था सब प्रेशर के बारे में। अब बात तो जो आने वाली है वो ये, क्या मतलब गैस और लिक्विड भी प्रेशर लगाते हैं? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर इन गैसेस एंड लिक्विड्स। इसके मैं दो ही एग्जांपल दूंगा। आपने अपने घर में गैस के, अगर गैस के केस में बात करें, पहले हम बात करते हैं लिक्विड की, ठीक है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो आप इसके लिए एक सिंपल सा, तो लिक्विड की बात करूं तो प्रेशर लिक्विड की मैं बात करूं तो प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ। अगर सपोज कीजिए आप एक रिवर में हैं या फिर आप सी में हैं, तो आप जितना गहरा जाएंगे उसमें जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी, मतलब जितना नीचे जाते जाएंगे उतना ही आपके ऊपर प्रेशर लगता, मतलब लगना लगने लग जाएगा। इसकी वजह यह होती है कि आप सपोज कीजिए अभी आप यहाँ पे थे, तो आपके ऊपर इतने पानी का जो पानी होगा ये एरिया में, सपोज कीजिए आप इतने का ही, ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे थे हाँ, तो आपके ऊपर सिर्फ इतने पानी का वेट था। अब आप यहाँ पे आ गए तो आपके ऊपर ये वेट पड़ रहा है वो पानी का, इतना आपको पानी का वेट मतलब बियर करना पड़ेगा, सहल करना पड़ेगा। आप अगर बॉटम पे आ गए तो आपके ऊपर इतने पानी का वेट पड़ रहा है, तो जब वेट पड़ रहा है मतलब कि उसका वेट पड़ रहा है तो फोर्स पड़ रही है, फोर्स पड़ रही है तो मतलब क्या पड़ रहा है, फोर्स पड़ रही है तो सिंपल सी बात है कि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ। इसी वजह से, यही वजह है कि जो सबमरीन होती हैं वो पानी में अंदर चलती है ना, तो वो बहुत मोटी लेयर ऑफ स्टील से बनाई जाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है, ताकि जब वो मतलब एक पर्टिकुलर मतलब वो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जाती हैं, वो भी कुछ ज्यादा नीचे नहीं जाती हैं, उनका भी एक पॉइंट लिमिटेड होता है, फिक्स होता है कि अगर उससे ज्यादा नीचे जाएंगी तो वो टूट जाएंगी, अगर ज्यादा अच्छे से नहीं बनाई हुई। तो इसीलिए उन्हें जब बनाया जाता है, उन्हें डिजाइन किया जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टील से बनाया जाता है, मतलब जो स्टील यूज किया जाता है, एक स्पेशल टाइप के स्टील्स यूज होते हैं उसमें, मटेरियल यूज होता है बेसिकली, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग बन सके, ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, एक एक्टिविटी है आपकी बुक में, आप समझ लीजिए एक, आप सभी, मैं इसको आपको बताता हूँ, आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं। सिंपल एक वाटर बॉटल लीजिए, उसमें होल कीजिए, एक होल यहाँ पे कीजिए, उसे वाटर बॉटल को पानी के साथ फिल कर दीजिए, एक होल इसमें यहाँ पे कीजिए, एक यहाँ पे कीजिए और एक बिल्कुल बॉटम पे कीजिए, ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट, ठीक है, बॉटम पे मत कीजिएगा वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो आप क्या देखेंगे, और यहाँ पे उसे एक कॉर्नर पे रखिए किसी टेबल के, तो आप जो देखेंगे जो यहाँ से वाटर गिर रहा है वो सबसे ज़्यादा दूर गिरेगा, ठीक है, और ये सबसे कम जो हाइट होगी यहाँ से पानी गिरने की वो सबसे ज़्यादा दूर गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो इतने पानी का लग रहा है, ठीक है, इस पर जो प्रेशर है वो सिर्फ इतने पानी का है, ठीक है, और इस पर जो है वो सिर्फ इतने का है, तो इस पर प्रेशर, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रेशर मतलब प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर प्रेशर मतलब सिंपली आप जो प्रूव करेगा वो ये है कि प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेप्थ। तो सेम जो होता है, सेम होता है गैस के केस में, गैसेस के केस में भी सेम होता है। अब गैसेस के अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो आप अर्थ को ले लीजिए, अर्थ हैज इट्स ओन एनवायरनमेंट, और जो आपने सुना होगा कि अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये अर्थ है हमारी, इसके चारों ओर हवा है, हम कहते हैं कि एक ब्लैंकेट से, हवा ने एक ब्लैंकेट बनाया हुआ है जिससे उसे पूरे को कवर किया हुआ, सराउंडेड किया हुआ है। तो आप सपोज कीजिए एक, इसका एक सेक्शन ले लीजिए, हमने उसका इतना सेक्शन ले लिया उसका, हवा का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हो, जब कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि जब भी हम ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो पहाड़ों पे जाते हैं प्रेशर कम हो जाता है, क्यों हो जाता है? आप सपोज कीजिए पहाड़ यहाँ तक आ रहे हैं, तो हम इस हाइट पे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे हैं, तो हमारे ऊपर जो हवा है, हवा जो हवा है वो सिर्फ इतनी बची है, उसका भी एक लिमिटेड है कि एक लिमिटेड
80 किलोमीटर तक, कुछ 70 या 80 कुछ किलोमीटर तक हवा मिलती है ऊपर एनवायरमेंट में, उससे ऊपर हवा नहीं मिलती क्योंकि ये भी इसका भी अपना वेट होता है एक, ठीक है। तो सपोज कीजिए वो ग्रेविटी की वजह से ये भी नीचे आते हैं, इस पर भी ग्रेविटी एक्ट करती है क्योंकि ग्रेविटी तो हर चीज़ पर एक्ट करती है, ठीक है। तो सपोज कीजिए वो यहाँ पे थी तो इतना ही हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन मान लीजिए तो इतनी हवा थी, तो हमारे ऊपर प्रेशर कम पड़ता है, इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है मतलब ऑन अ सर्टेन हाइट या बोले हम माउंटेन्स पे, तो वो कम हो जाता है, ठीक है। अब जो हम ग्राउंड लेवल पे हैं मतलब ग्राउंड्स में हैं, हम जैसे अपनी बात करें यूपी की, तो हमारे ऊपर एक इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन हवा का जो हमारे ऊपर हर वक्त प्रेशर बना के रखता है, और इसे हम बोलते हैं इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप सोचते हो कि हमारे ऊपर लिक्विड या गैसेस प्रेशर अप्लाई नहीं करते तो आप गलत सोचते हो। यस दे डू अप्लाई प्रेशर गैसेस, एंड मैं बात कर रहा हूँ गैसेस एंड एयर लिक्विड की। यस गैसेस एंड लिक्विड ऑल्सो अप्लाई प्रेशर। तो ठीक है, एक जो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने वाला था वो ये था कि मैं जो फॉर्मूला बताया था आपको मैंने प्रेशर यानी कि P इक्वल्स टू फोर्स यानी कि F अपॉन एरिया यानी कि A, यानी कि P इक्वल टू F अपॉन A। तो आपको अगर उसने पूछा है, किसी ने आपको प्रेशर पूछा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, ठीक है। और किसी ने आपसे पूछा है प्रेशर दिया हुआ है और एरिया दिया गया है, तो उसने पूछा फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स बताइए, तो आप फोर्स यहाँ से निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई की दी, आपको फोर्स का पता चल जाएगा कि आप किस एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको उन्होंने फोर्स दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है, तो आप वहां से एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स अपॉन प्रेशर। इस तरीके से आप ये चीजें इस फॉर्मूले से प्रेशर भी निकाल सकते हैं, फोर्स भी निकाल सकते हैं और एरिया भी निकाल सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। तो हमने एक आज नया एक और चैप्टर कवर कर लिया। तो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी, हैव अ गुड डे।